दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वाटरप्रूफिंग कैसे किया जाता है। ये जो है एक स्कूल है, स्कूल के ऊपर जो है ये पूरा स्कूल की बिल्डिंगें बनी हैं। नया बिल्डिंग अभी मान के चले कि 12 से 15 साल हुए और पूरे छत पे वाटरप्रूफिंग का काम शुरू कर दिया गया। सबसे पहले इसकी रबिंग की गई है, तार ब्रश से इसको रगड़ के पूरा जो इस पर फंगस लगे होते हैं उसको साफ़ कर दिया गया है। इसके बाद इसकी कोटिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा एरिया में जो वाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वर्क फाइनल हो गया। टोटल 7 कोटिंग हुआ है और इसके बाद धीरे धीरे पूरे छत पे काम होगा। जो भी बिल्डिंग बनी है सारे बिल्डिंग पर काम होगा। वाटर प्रूफिंग से ये फ़ायदा होता है कि जो छत का लाइफ होता है, जो टेरेस होता है, आरसीसी का जो स्लैब होता है उसका सेल्फ लाइफ यानी ख़राब होने का जो समय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मांग चले कि अगर इंडिया के अंदर में एक लिंटर के आम तौर पर मैं देखूँ, मेरा काम कई जगह चलता रहता है, मैं इंस्पेक्शन के लिए जाता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि 2 से 3 साल 4 साल में लिंटर खराब होने लगता है, क्रेक आने लगते हैं और सीलिंग पूरा गिरने लगता है, छड़ वगैरह जो है सरिया दिखने लगता है। तो मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, जब भी अपना नया कंस्ट्रक्शन करें तो उसमें वाटर प्रूफिंग का काम आप ज़रूर करा लें। छत आपका अगर मजबूत रहेगा तो पूरी बिल्डिंग मजबूत रहेगी, नहीं तो अगर जो स्लैब पड़ा होता है, लिंटर होता है, अगर ये ख़राब होने लगता है, सीलिंग वगैरह गिरने लगता है, सरिया दिखने लगता है, तो इसको सही करने के लिए फिर आप रिपेयर करेंगे, रिनोवेशन का काम करेंगे, लेकिन फिर वो मजबूती नहीं आ पाती है। जब भी आप नया नया बिल्डिंग बनाए या आपका छत पुराना पड़ चुका है, किसी प्रकार की समस्या, सीलन लीकेज वगैरह की क्रेक आता है, तो उस पर वाटर प्रूफिंग करा लें। वाटर प्रूफिंग भी कई टाइप की होती है इंडिया के अंदर में। मेनली जो है लिक्विड मेम्ब्रेन जो होता है उसका यूज किया जाता है। लिक्विड मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि इसका जो सेल्फ लाइफ होता है बहुत ज़्यादा होता है, 20 से 25 साल होता है। पॉलीमर लिक्विड रबर का और फाइबर में इसका इस्तेमाल करके कोटिंग की जाती है। टोटल 6 से 7 कोटिंग होती है, अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो लिक्विड मेम्ब्रेन ही अपने आप को कराना है अपने घर में। लिक्विड मेम्ब्रेन का जो वाटर प्रूफिंग होती है फाइबर मेश के साथ में, इसको आप घर में किसी भी एरिया पर करा सकते हैं, वॉल हो तब, बाथरूम किचन हो गया या छत हो गया, जहाँ भी आपको समस्या आती है पानी के सीलन की वहाँ पर करा सकते हैं। लिक्विड मेम्ब्रेन ही कराना है। कई लोग क्या करते हैं कि बिटुमेन का करा लेते हैं, सीट होता है जो तारकोल से लगाया जाता है, माय डियर फ्रेंड्स वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, मेरी कंपनी काम करती है, लेकिन मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ये जो सोलर प्लांट लगा है इसके नीचे टोटल ये वो काम हो गया है, धीरे धीरे काम आगे बढ़ता जाएगा और ये पूरा छत की वाटर प्रूफिंग की जाएगी। जो कंपनी के सर्विस है वाटर प्रूफिंग सर्विस, पूरी दिल्ली में अवेलेबल है, पूरी इंडिया में अवेलेबल है। दिल्ली में आप कहीं से भी हैं, इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और चाहे तो अपने घर के भी वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं। 2 लिंटर का ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट को भी ठीक से वाटर प्रूफ किया जा रहा है। हमेशा ज्वाइंट पर दिक्कत आती है, ज्वाइंट कई बार खुल जाते हैं और पानी के सीलन जाने लगता है। चैनल पर पहली बार आए हो चाहे वो सब्सक्राइब कर दे, धन्यवाद।